होगा ये कि मैं उर्वा से सवाल करूंगी मावरा के बारे में और मावरा से सवाल करूंगी उर्वा के बारे में. ठीक है. अब अगर मावरा ने सही जवाब दिया तो आप ग्रीन दबाएंगी, अगर उसने जवाब गलत दिया आपके बारे में. अच्छा, उनके जवाब पे मैंने बताना है करेक्ट और रॉन्ग. यस यस, ठीक है, आपने भी वाइस वर्सा. ओके जी, पहला सवाल. ओके, अब मैं पूछ रही हूँ उर्वा से. अच्छा, मावरा के बारे में. ठीक है ठीक है. वो कौन सी तीन चीजें हैं जो हर वक्त मावरा के बैग में मौजूद होती है? लेटेस्ट चीजों के बारे में बताना है. लेटेस्ट बताना है, पुराने 10 साल पुराने इंटरव्यू में से नहीं आंसर देना. इट्स वेरी इजी, मोबाइल फोन, परफ्यूम एंड क्रेडिट कार्ड. अच्छा चलो, एक और कोई इंपॉर्टेंट चीज बताओ. एक और यूनिक चीज बताओ. यूनिक है, मोबाइल के साथ होता है, क्रेडिट कार्ड भी. आपको पूछना चाहिए था ये. देखिए, ये किसी ने बताया था कि इस हर सवाल का एक नेक्स्ट डिफिकल्ट मरहला होगा. दिस इज नॉट फेयर. मैंने बिल्कुल सही जवाब दे दिया. मुझे लगता है टेंट होता होगा एक कोई अच्छा वाला सा. आई थिंक कि जो थोड़ा ट्रिक आंसर है वो ये कि मेरे बैग में हमेशा आईलैश कर्लर होता है. नहीं कहो, क्योंकि मुझे आईलैश, मेरी ना आईलैशेस पता नहीं बुझ जाती है, मुझे उनको बाहर जाती है. और मुझे आईलैश कर्ल करके लगता है मैं तैयार हूँ. अब तैयार? ओह माय गॉड, अच्छा ये हमें हमने पहली दफा जाना है. तुम्हें पता था? मुझे देखा है कि मैं आते जाते गाड़ी में भी आई कर्ल माय आईलैशेस, मेरी आंखें खुल जाती. कभी स्किन तो नहीं आई आंख? नहीं, आपको पता है मैं जब कर रही होती, मम्मा भी कहती हैं ध्यान से सब, आई थिंक नजर ना लग जाए, पता चले आज ही वापसी में मेरी. लेकिन आई थिंक मेरा हाथ अलग, आई एम यूज्ड टू इट नाउ. ओके, अब मावरा से पूछूं. ठीक है, वो कौन सी तीन चीजें हैं जिसके बगैर उर्वा का मेकअप नामुकम्मल है? होंगी टोटल तीन. हाँ, ट्रू. ये तो इजी सवाल है. एक टिंट जो ये हर तरफ लगाती है, हर तरफ सनब्लॉक. और एक ये जो ऑरेंज शेड इन्होंने आंखों पे लगाया हुआ है ना, ये पीच ऑरेंज 100 साल पुराना आई शैडो है. मुझे बस यही लगा, इसको यही एक आई शैडो. कौन सा ब्रांड है, क्या है? आई थिंक बॉडी शॉप वाला है ना. मुझे ये कलर जिसमें भी मिल जाए, जिसमें भी मिल जाए. हाँ, जब खत्म हो. हाँ. क्योंकि इतना सा लगता है मेरी चीजें, एक तो मुझे ब्रांड खुद ही भूल जाता है, काफी काफी साल चल जाते हैं. हाँ. उसके नाम ही छूट जाते होंगे. ऐसे हल्का सा टच किया और बस. हाँ. और उर्वा ने अपने ब्राइडल मेकअप के लिए भी यही तीन चीजें. हाँ. विच इज द याद, विच इज अ बिग वन. पर तुमने खुद किया था ना अपना ब्राइडल मेकअप. ओह माय गॉड. हां, वो मैं ये मुझे कह रही थी उर्वा. ग्रीन. हां ग्रीन. ये मुझे कह रही थी उर्वा करवा लो. क्या कर रही हो? नहीं, पिक्चर्स आएंगी. मैंने कहा हां, तो मेरी आनी चाहिए, कुछ डिफरेंट तो नहीं लगना चाहिए. लेकिन खैर, वो भी बहुत अच्छा करती है जो करती है, तो अगर कभी मुझे करना हो देन आई नीड हर एडवाइस. अच्छा, कि अच्छा कैसे करूं, क्या लाइनर, विद व्हाट. तो कभी तुमने उर्वा कभी आईलाइनर लगाया है वैसे आंखों पे? मुझे तुम्हारा कोई स्मोकी मेकअप ऐसा याद नहीं आ रहा. नहीं. है ना? नहीं, मतलब किया होगा किसी शूट के लिए, अगर कोई चाहता है कि वो लुक हो, बट खुद से तो नहीं. और तुमने किया मामला? दो चीजों के लिए मावरा अपनी डाइट छोड़ सकती है, तोड़ सकती है. दो चीजों के लिए, पास्ता जो अम्मा बनाती है, मम्मा ही बनाती है बिरयानी. चलो, सही है? ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन. ये लेटेस्ट है? हाँ, ये बिल्कुल लेटेस्ट है. ये परसों का हाल मैंने आपको बताया, हेडलाइंस दी हैं. ओके मावरा, हाँ. अच्छा, उर्वा अगर झूठ बोल रही हो या कोई बात छुपा रही हो, हाँ, तो ऐसा क्या करती है जो तुम्हें पता, तुम पकड़ लेती हो? ये तो मुझे भी जानना है कि ये पकड़ती कैसे है. ये आप मेरा बड़ा सीक्रेट रिवील करवा रही हैं, क्योंकि झूठ पकड़ना जरूरी होता है. आई थिंक कि एक तो ना उर्वा की वैसे बॉडी लैंग्वेज जो है ना, बड़ी वो है, सटल. बट जब उर्वा इज मेकिंग अप अ स्टोरी, उर्वा बिकम्स वेरी बाउंसी. अपनी तरफ से बहुत अच्छा सटल ही जाती हूँ.
मतलब कोई और ये आई कांटेक्ट नहीं करती जब ये झूठ बोल रही होती है, इधर उधर देख रही होती है, अपने बालों से खेल रही होती है कि मेरी कहानी पता नहीं कितनी बिलीवेबल है, पता नहीं सब क्या समझेंगे क्या उर्वा कहानी चल रही है, बहनों में चलता है हाइडिंग समथिंग। ज्यादातर पता है कैसी बात होती है, क्या जो मुझे पता है इसकी मुझे पड़ेगी उस पर डांट, कोई मतलब शी वुड से गलत किया ना फिर देन आई वुड स्लाइटली कहानी को टर्न कर देती हूँ, तो ऐसे ही हल्का सा ना, लेकिन वो भी इतना सा भी पकड़ा जाता है। मेरा इट्स अबाउट मी दैट एवरीबॉडी सही बताओ, सही यही सी था। मेरे बारे में सब कहते हैं कि मेरा एक्सप्रेशन नहीं छुपता, व्हाटएवर इज इन द हार्ट ना वो दिख जाता है, दिख जाता है वो मैं, लेकिन मुझे ये बड़ी वीकनेस लगती है कि हर वक्त थोड़ी पता चलना चाहिए कि क्या आपके दिल का हाल है, और क्या थोड़ा सा तो आपको कंसील करना आना चाहिए ना। But I'm working on it. Okay. हाँ, ये सवाल मावरा से था, उर्वा से मैं भूल गई, तुमसे मावरा से। Okay. उर्वा के बारे नहीं नहीं हाँ, अब उर्वा से पूछूंगी मावरा के बारे में। Okay. किसी पे अगर मावरा गुस्सा हो तो वो गुस्से में कौन से दो अल्फाज उसके मुंह से निकलेंगे? सही आंसर ना ना दिया अगर। अच्छा, रियली ट्रिक क्वेश्चन है ये। अच्छा, ये तो बड़ा मुझे मुश्किल सवाल लग रहा है। किसी पे अच्छा सोचो, आंसर मिल जाएगा। ट्रिक क्वेश्चन है। मैं याद कर रही हूँ कि लास्ट टाइम कब गुस्सा किया था। देखा, यही तो ट्रिक क्वेश्चन था। एक्चुअली यस, गुस्सा नहीं करती। नहीं नहीं, मुझे गुस्सा आता है ऑब्वियसली क्योंकि मैं इंसान हूँ, लेकिन मेरे लफ्जों से पहले मेरे आंसू निकल आते हैं, तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है एक्सप्रेस करना एंगर। मेरे हलक में फंस जाती है एंगर। तुम्हारी आवाज में एक्सप्रेस होती है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी आवाज जो है वो रोना आ जाता है। कोई वर्ड्स नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गुस्सा निकाल पाऊँ, लेकिन वो इधर फंस जाता है और फिर वो आंसुओं की फॉर्म में। आई थिंक दैट वे ना हम अम्मा की तरह हैं, वर्ड्स नहीं होते हमारे पास टू रियली, मतलब हमारा एंगर थोड़ा डिफरेंट है। काफी लोग होते हैं जो वोकल। कभी तुम्हारे घर के बाहर से चीखने की आवाजें नहीं आई गुस्से में? नहीं, दोनों के आपस में फड्डा भी हुआ है तो बचपन में ऑब्वियसली सब बच्चे लड़ते हैं और चीखते भी हैं। लेकिन अभी मतलब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, चीखना चीखम चिल्ली नहीं। ओके, उर्वा की साइड टेबल पर हमेशा कौन सी लेटेस्ट दो चीजें मौजूद होती है? कैंडल्स और किताबें। वाकई अभी भी क्या किताबें जो वहाँ 200 साल पड़ी रहती हैं जिनका एक दिन वक्त आएगा। अच्छा नहीं, मैं बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ। हाँ, अगर मैंने 3 पेजेस भी पढ़ने हैं ना तो मैं बहुत मजा करके, मुझे नहीं होता कि जल्दी 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 वैसे खत्म। I enjoy the but say na candles bhi hoti hain hamesha, ha candles also candles, perfume candles, ha I can never have enough of candles. Ye bhi kahin jati hai, main kehti hu kuch mere liye kya chai ka cup jo अब चौथी दफा गर्म होने जाएगा वो हमेशा ठंडा हमेशा साइड टेबल पे होता है। ये मेरा जो अभी ठंडा हो जाता है दो तीन दिन पहले ही बना के ला, क्योंकि हमारा ना माइक्रोवेव खराब हो गया तो अम्मा कहती है ओहो अब चाय कैसे, अब चार दफा चाय ठंडी करके चार दफा गर्म कैसे होगी, अब तो उसमें करनी पड़ेगी, तो बेटा चलो जल्दी जल्दी पी लो जल्दी जल्दी। आई ऑलवेज फॉरगेट, और हालांकि मैं बड़ा कह के मांगती हूँ कि चाय, मुझे बहुत पसंद है चाय, पता नहीं कैसे वो ऐसे कोई बीच में 5 मिनट आते हैं कि वो ठंडी हो जाती है और फिर वो मुझे अब गर्म चाहिए। सो हाँ, ये भी लेटेस्ट मेरी टेकिंग हुई है। ओके, मावरा को कहाँ ले जाने के लिए जरा मुश्किल से तैयार करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है? कहीं के लिए भी नहीं, उल्टा आप कह बैठे हो ना अगर, तो अब ये आपको लेकर ही जाएगी। अच्छा, अब आप इनकार नहीं कर सकते, ये सारे ट्रिक क्वेश्चन हैं। ओह, क्या सही जवाब है। मतलब ये हर वक्त जाने के लिए तैयार, चलो यार कॉफी पीने चलें, चलो डिनर पे चलें, फलाने दोस्त क्या चले, तैयार। मैं खुश रहती हूँ प्लान्स बनाने में, तैयार होने में, मैं कैंसिल करने में, मैं नीचे मामा लोगों के साथ चाय पीने भी तैयार होके आती हूँ कि थोड़ा मैं प्रॉपरली सलवार कमीज पहन के जाऊँ, अस्सलाम वालेकुम, चाय पिए। अच्छा, मामा इधर आ गई लाहौर? लाहौर में। मुझे नहीं पता, समझी नहीं, मामा डैडी यहाँ मूव हो गए, बस वो किसी जरूरी काम के लिए उनको ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा काम के लिए, तो अब तुम लाहौर शिफ्ट हो गई हो? हाँ, इसीलिए तो मैं आपको नजर नहीं आती ना ज्यादा, आप कहीं भी हर वक्त मैं उनके साथ। अच्छा, अब जैसे तुम लोग एक साथ खाना खाने जाते हो रात को, तो अक्सर उर्वा क्या ऑर्डर प्लेस करती है अपने लिए लेटेस्ट, क्या आजकल उसको पसंद है? ट्रिक क्वेश्चन कुछ भी नहीं, असल में मजाक नहीं कर रही, बहुत कहना पड़ता है कि कुछ खा लो। हाँ,
तो तुम ही ऑर्डर करती हो? मैं ऑर्डर भी करती हूँ, खाती भी हूँ। तो ये क्या डाइट कर रही हो? क्या लास्ट आपने देसी या कुछ अंग्रेजी क्या खाती हो? आई थिंक कोई ना, मैं मेरा ख्याल है खुद को ही नहीं समझ पा रही, मुझे कोई, आई एम नॉट अ फूडी। लाइक जिसको भी मैं ये बताती हूँ, मतलब मैं खा लूंगी कि हाँ इंसान को खाने के लिए कुछ खाना होता है। तो ऐसी कोई क्रेविंग्स नहीं होती किसी चीज के लिए? आई थिंक सब्जी खा लेगी उर्वा जहाँ भी जाएंगे, जब खाने का टाइम है, सब्जी का जब खाने का टाइम है, नॉट लाइक कि अब क्या खाएं। She is that person. अब क्या खाएं? Excitement खाने की। रात को डिनर पे चलना है। उसको कोई excitement। तुम्हें किस चीज की excitement? हाँ बताओ सर। अच्छा सवाल। ये भी राज मैं भी जानूं। ये तो मेरे लिए मुश्किल सा सवाल है। किस चीज की होती है? जैसे होता है ना एक जमाने में रिजल्ट आने की होती थी excitement, कहीं एडमिशन होने की होती थी, किसी ड्रामे को रिलीज होने की, उसका मुझे जवाब देना पड़ना है। मुझे लगता है मुझे ऑफ डे की बहुत एक्साइटमेंट होती है, जिसमें कुछ नहीं करना और पीजेस में बस घर में घूमना है, और घूमना ना ही पड़े तो बेहतर है, बस बैठना है, रिलैक्स करना है। हां माय फेवरेट मोस्टली। लेकिन ऑफ कोर्स आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माय वर्क, वो होता है तो वो वाला डे अच्छा लगता है, डे अच्छा लगता है, वरना नहीं। ओके अच्छा, अगर मावरा की तुम डायल लिस्ट लॉग चेक करोगी, मोबाइल का लॉग, तो सबसे ऊपर कौन से दो नंबर होंगे? मामा और मैं। मामा तो नीचे ही रहती हैं। हाँ फिर भी काम पड़ता रहता है। हाँ लिटरली, और मैं भी ऊपर नीचे ही होती हूँ, लेकिन फोन हाँ काम पड़ता रहता है, ये वो तो वो उनसे पूछना होता है ना कि वो फ्री हैं, मैं आ जाऊँ नीचे, कुछ खाएं पिएं साथ, कुछ चाय शाय करें, रैंडमली भी हो जाता है। अच्छा कमरे में हो? अच्छा ठीक है, नहीं बस वैसे ही पूछ रही हूँ, ये भी होता है। तो एक तो मामा का नंबर हो गया, दूसरा किसका? और दूसरा तुम्हारा। ओके ओके अच्छा, कौन से दो लोग ऐसे हैं, नहीं सॉरी मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, कभी आपने पूछा है उर्वा के बारे में। हाँ जी हाँ, कौन से दो लोग ऐसे हैं जिनको उर्वा कुछ भी बोल दे वो लोग नाराज नहीं होते? दोनों मैं हूँ। नहीं मैं और मामा। मामा भी नाराज नहीं होते? नहीं मामा तो खैर मुझसे भी बहुत बेहतरीन वर्जन है मेरा भी, मतलब मुझे लगता है कि हमारी एज की, हालांकि कहते हैं कि बड़ी उम्र में आपकी पेशेंस कम होती है, बट फॉर वट एवर रीजन शायद हम इतने बिजी और ऑक्यूपाइड होते हैं, मुझे लगता है मामा हैज मोर पेशेंस देन बोथ ऑफ अस कंबाइंड। ओके, तो वो उन मामा कभी नाराज नहीं होते। और उर्वा को गुस्सा किन बातों पर आता है? उर्वा को गुस्सा किस बात पर आ सकता है? कहीं लेट आना या कुछ बोला आज नहीं हुआ या उसको नींद से उठा दिया है। उसके साथ भी वही हो रहा है कि सोच रही है क्या कब आया था और क्या बात थी। आई थिंक ज्यादा इसी किसी बात पे आ सकता है कि अगर आप ऑलरेडी कहीं ऑक्यूपाइड हो और आप कंज्यूम्ड हो किसी चीज से, और वो भी मतलब लाइक अ स्नैपी बिहेवियर, नॉट लाइक गुस्सा। मैं जैसा अभी ये बता रही थी कि इसका बहुत स्केड्यूल बैक टू बैक पैक्ड था, सो एनीथिंग टू डू विद यूएक्सएम उसके अंदर रिसीव करने की जगह ही नहीं थी, तो वो फिर दैट कैन गेट हर अ लिटिल यू नो परेशान, बहुत सारे एकदम बर्डन आ गया। इट्स नॉट एंगर, इट्स मोर ऑफ अ परेशानी। हां बस इसी पे आता है, अगर काम वाली जो है नहीं आई घर, छुट्टी कर गई, सफाई नहीं करने आई, फिर उस पे गुस्सा नहीं आता तुम्हें? नहीं ये तो कोई गुस्सा करने की बात ही नहीं है। तो हां मतलब आई थिंक आई एम वेरी ऑर्गेनाइज्ड लाइक दैट, मुझे तो रोज वैसे सफाई चाहिए भी नहीं, और वो ना भी आए तो आई एम जस्ट अबाउट फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वरना हमारे तो घर में अजीब सा हो जाए, मतलब अगर मासी ने छुट्टी कर ली तो वो वाली सिनेरियो नहीं। आई थिंक दैट्स आल्सो बिकॉज़ माशाल्लाह आप यू आर मैनेजिंग अ बिग हाउसहोल्ड विद चिल्ड्रन, आई थिंक हम पे सिर्फ क्योंकि अपनी ही जिम्मेदारी है, तो आई थिंक इट्स रिलेटिवली इजी। ओके हाँ, अब मुझसे पूछना आपने, मावरा घर के कौन से दो काम है जो वो खुशी खुशी करती है, उसमें तो कोई मसला ही, कर लूंगी दो काम, कुछ भी, इस्त्री, कपड़े धोना, बर्तन धोना, चाय बना लेना या कोई भी चीज, बेडशीट्स, चाय बना लेना, हाँ किसी भी टाइम कह दो, हाँ मेरा ख्याल है ना, और डस्टिंग करना, खाना सर्व, हाँ प्लेटें वगैरह, है ना, गुड वन, यार खाना डाल दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेज को सेटअप सजा, लव इट। और जितने लोग अलग अलग खाना मांगेंगे उन सबके साथ हर दफा खा भी लेगी। अच्छा एक्चुअली एक्साइटमेंट ये होती है कि अच्छा मैं लाती हूँ मेरे साथ अपना भी ना, तो मुझे लगता है, लेकिन तुम चुकती होगी तो खाती नहीं हो? नहीं आई थिंक मैं खाती हूँ, बट मैं मतलब माइंडफुल रहती हूँ, मैं खाना अंडा पराठा जो सब कैलकुलेटेड, खाने की बातें करो, मुझे तो भूख लग, मुझे ये सब जो अंडे पराठे खा रहे हैं, आई थिंक ब्रेन के प्रॉपर
प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए खाना बहुत जरूरी है. खाना, चीनी, ये हम लोग सब छोड़ देते हैं और फिर हम सोचते हैं इतना डाउन क्यों है. कौन सी चीज तुम छोड़ती हो जो तुम्हें लगता है कि ये मुझे क्रेविंग क्यों हो रही है? जलेबी. जलेबी, ओह माय गॉड, मुझे जलेबी छोड़ना बुरा लगता है, लेकिन अब मैंने छोड़ी हुई है. इट्स नॉट गुड फॉर यू. हां, तो फिर नहीं. बहुत चीनी, बहुत चीनी. ओके, अब किसकी बारी थी? उर्वा. उर्वा की का सवाल है तुमसे. अगर उर्वा को खुद ये सोच मतलब मौका मिले कि अपनी कोई दो आदतें चेंज कर ले, तो उर्वा क्या चेंज करेगी? मतलब वो खुद ही तंग हो ना अपने कि यार ये मुझे बदलना है अपने अंदर, तो उर्वा क्या आदत जो है अपनी वो चेंज कर उससे फायदा उठाएगी? सुबह ही मुझे मिला एक क्या लेक्चर वो जरूर सजेस्ट कर देगी कि क्या चेंज करो. नहीं, आई थिंक नहीं, मतलब कि मैं खुद अपने बारे में क्या बदलना चाहूंगी. हाँ, तुम खुद कि क्या बदलना चाहिए. चाहिए मतलब तुमने. हाँ, सेम थिंग. सेम थिंग एग्जैक्ट. आई थिंक एक तो ये अपनी मे बी शी वुड लाइक टू वर्क ऑन हर which he does now, styling and everything. वो अब इस पे थोड़ा ध्यान देना पसंद करती है. हाँ. तो शायद खुद ही से बदल रही है, इसलिए मैं ये पिक अप कर रही हूँ. क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, ईद के शो पे भी सादा लॉन का कुर्ता पहन के आ रही है. Exactly. लेकिन आपने देखा भी टच बटन पे जो हुआ है, वो उसने खुद किया है. So I think that's a change that's coming. और मुझे तो लास्ट टाइम आई थी मेरे पास इतना प्यारा गरारा पहन के आई थी, मुझे इतना अच्छा लगा. मैंने कहा वाओ यार, मतलब अब तुम खुद दिल से आई हो टच बटन की प्रमोशन के. आई थिंक ये एक चेंज है जिस पे ये खुद ही से काम कर रही है. हाँ. और दूसरा मे बी शी वुड लाइक टू ऐड सम आई डोंट नो योगा और लाइक सम फॉर्म ऑफ वर्कआउट इन हर लाइफ मे बी. क्योंकि तुम्हें तो मैंने पिलाटिस करते हुए देखा है ना. हाँ. और अब तुम कोशिश करियो कि तुम कुछ ऐसा करो योगा. सोच मेडिटेशन के लिए. अभी तो मैंने खाली सोचा है, ख्वाब देखा है. तो हाँ. सही है. होपफुली यस. ये दो चीज सही है. सही जवाब है. हाँ. या कोई एक चीज मिस कर गई है? कुछ और है दैट यू वांट टू चेंज अबाउट योरसेल्फ? आई डोंट थिंक सो. नहीं. हां, थैंक यू. अभी सब सही जवाब दे रहे हैं. अच्छा, अब मुझे लगता है कि आपको एक्टिव रखता है कि कुछ होना चाहिए. हाँ, अच्छा देखते हैं अब तुम्हारी मेमोरी क्या है. हम देखते हैं मावरा की लेटेस्ट जो फॉलोअर्स इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं उनकी क्या तादाद है. मावरा बताना. नहीं, दिस आई वुडन्ट. तुक्का लगाओ, तुक्का लगाओ. 7 मिलियन. बता दो असल क्या है. 8. हाँ, 1 मिलियन बढ़ गया. मुझे अपने भी नहीं पता. अपने भी नहीं पता एक्चुअली. उर्वा की मुझे भी नहीं पता. सो दैट विल आल्सो बी अ 10.